He said this trek will be easy. He lied, okay? Don't worry. This trek is not easy. इधर से आपको गाड़ी का टिकट लेना है। दिस इज द थ्री पीक्स गाइस। अभी हम इसके पास जाएंगे, होपफुली लेट्स सी। और यहाँ से दिखता है पूरा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी बी गोइंग टू द थ्री पीक्स होपफुली। उधर का एंट्री से कुछ 30 यूरोस टाइप का है, तो बहुत महंगा है, तो देखना पड़ेगा, सोचेंगे। करते हुए थ्री पीक्स की तरफ जा रहे हैं, जो अराउंड 2 घंटा लग जाएगा। तो या जितना इजी नहीं है, इसमें बहुत सारा अपहिल क्लाइंब है। तो और 2 घंटा अपेरेंटली ऊपर जाने में लगता है, 2 घंटा नीचे। लेट्स सी मेरे को कितना टाइम लगता है। कुछ 1 hour 20 minutes दिखा रहा है। तो यस, अभी तक आई थिंक हमने 1.5 घंटा तो कर लिया होगा, 45 मिनट्स के अराउंड। यो मोर टू गो। यस नो है। Oh.
रात्रि पे उसके पीछे जाना है। रेगुलेटर वाला पार्ट है तो थोड़ा संभल के चलने का, थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। इधर मैं स्लाइड करके आई क्योंकि मैं वॉक करके तो नहीं पहुंचने वाली थी, पक्का मैं गिर जाती तो। लेकिन मेरे पास वीडियो नहीं है क्योंकि तो मैं स्लाइड करती या फिर वीडियो लेती दोनों तो नहीं हो पाता। और बचा हुआ है शॉर्टनिंग में पूरा रास्ता है, अगर आप आ रहे हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो ट्रैक पेंट करने के लिए। हम उधर से आए थे वाले एरिया से, और अभी और ऊपर जाना है, एक घंटा और है अभी, और आगे बढ़ते रहना है। That's the back side. मेरे पीछे है थ्री पीक्स, बट ये बैक व्यू है, फ्रंट व्यू है। चलना पड़ेगा और फिर आ जाएगा। मैं चले गए यहाँ से, एक्चुअल में आपका ट्रैक शुरू होता है अगर आपके पास गाड़ी है तो आप यहाँ तक लेके आ सकते हो, फिर पूरा ट्रैक कर सकते हो। यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं और ये है लास्ट स्ट्रेच ऑफ द ट्रैक। ये जैसे भी कुछ 40-45 मिनट लेगा, उसके बाद सामने का व्यू दिखेगा। तो यस दैट्स इट। एक सिटी है उसमें बाद में बताते हैं, ए से शुरू होता है और ओरिजोन और समथिंग ऐसा कुछ है। 30-40 मिनट और की बात है फिर हम पहुंच जाएंगे, फिर 10 मिनट में निकल भी जाएंगे क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है और मैं जैकेट नहीं लेके आई हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं पता था इतना वॉक करना पड़ेगा और इतनी ऊपर पहुँचेंगे। अगर आप आ रहे हो तो जैकेट जरूर लेके आओ। चर्च है, वे हाफ वे थ्रू इट। इधर से 15 मिनट है और व्यू पॉइंट के लिए। इधर से उधर जाना है, रेस्ट पॉइंट से ऊपर आना है। उधर टिप तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने में 15 मिनट लगेगा। और अरे मेरे पीछे है थ्री पीक्स, के सामने से दिखाती हूँ। बट अभी बहुत ज़्यादा स्नो है तो नहीं जा रहे हम उधर।
पे वेदर थोड़ा खराब हो गया है तो निकल रहे हैं यहाँ से जल्दी। तो पीछे जाने में लेट्स सी कितना टाइम लगता है। ये तो हमने बहुत जल्दी कर लिया जाना जो सीधे तो बारिश के बूंदे भी पड़ रही हैं तो मुझे जल्दी से निकलना होगा इधर से वरना मेरे सारे गैजेट की पैंट बचने वाली है। बारिश शुरू हो गई है तो जल्दी जल्दी पहुँच रहे हैं। पीछे देख सकते हो आप क्लाउड्स बहुत सारे हैं। ये इधर से शॉर्टकट है नीचे जाने को, ऊपर भी आ सकते हो आप बट ऊपर आने में फट रही थी। आ जाता है बीच में पानी भरने के लिए। जैसे मैंने बोला था ऊपर जाने के लिए 3 घंटा लगा रहा हूँ एंड मतलब अपने वहाँ पे रुक के और नीचे आने में 1.5 घंटा लग रहा है। तो या ऊपर जाना इज़ ऑब्वियसली टेकिंग मोर टाइम। टोटल आवर्स वही है ट्रैक के 4.5 घंटे और बट ट्रैक किलोमीटर इज मोर दैन द सुरापिस लेक वाला, क्योंकि इधर का किलोमीटर है कुछ 5 किलोमीटर है। क्योंकि अगर आप गाड़ी नहीं लेके आते हो ऊपर तक तो 5 किलोमीटर आपको नीचे से पूरा ऊपर तक आना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी लेके आते हो तो फिर आपका 1.5 किलोमीटर हो जाता है टोटल, 1.5 या 2 किलोमीटर के अराउंड। और गाड़ी लाने के लिए आपको 30 यूरोस पे करना पड़ेगा। तो जो नी बहुत करें क्लीमर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। अगर आपको आगे लेके जाना है तो यहीं पर आपको उधर पे करना पड़ता है 30 यूरोस। इधर से आप जाओगे तो आपको लागो दी एंटोर्नो लेक मिलेगा। बेसिकली लेक सुंदर सा लेक। सो यहाँ पे आप आके चिल मार सकते हो थोड़ी देर के लिए वंस यू हैव डन दैट ट्रैक। बारिश हो रही थी अब सब क्लियर है। एनीवे गाइस तो यहीं पे हमारा आज का टूर समाप्त होता है। आई होप आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया हो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।